9 बज गए हैं हमें उठने के लिए। ये वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो आर्यमन है उठा हुआ, उठा गया, छुट्टी है तो उठ ही जाता है ये आराम से है। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्यमन बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। और ये है दादी और अंशुमन खेल रहे हैं और मम्मा फोन पे लगी हुई है। टंटड़ा, तो ये है अंशुमन, हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइस आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और ये है हमारा लिटिल कृष्णा। आर्यमन आर्यमन गाइस आज बनेगा राधा और अंशुमन को बनाएंगे कृष्णा। ठीक है आर्यमन? अंशुमन आप राधा बनोगे कि कृष्णा बताओ। ओके, वो कहता है मैं कृष्णा ही बनूंगा है? मैं कृष्णा ही बनूंगा, राधा आर्यमन को बना दो है? बन जाएगा है? राधा तो मैं। हाँ जी, कुछ बोलना है आपने? बोलना है कौन बनेगा राधा, कौन बनेगा? आर्यमन को ही बनाएंगे वो कहता। तो गाइस अभी करेंगे आर्यमन को रेडी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। हाँ गाइस, आ गई है बुआ, बुआ और ये नानी सोने की तैयारी में फिर से और ये है बुआ के बच्चे पढ़ रहे हैं पेपर है ना। वेरी गुड। काला पेपर है ना, पढ़ रहा होगा। सोशल स्टडी, सोशल स्टडीज सबसे लेंथी पेपर आएगा। कल मेरा बर्थडे, मेरा नाली पेपर। अब तो अंसाई हां, तोड़ा बर्थडे कल। मम्मी दा तो 8 नो हुंदा, मैं कल 8 ना रखी ता है। नाइस, कल ता इधर बर्थडे दी ज्यादा खुशी होनी है। हां क्यों, इधर क्यों? मेरी बोटी दा भी बर्थडे है कल। हाय हाय, सोनिया भाभी दा भी बर्थडे है। तो पार्टी होगी। तो ये है कल तो मैं डबल पार्टी चली नानी से। मैं कहना यू मंगा लेने, 25-25 रुपए दे आंदे तेरी होगी तैयारी। वेरी गुड गाइस, लास्ट चैप्टर है। किने कितने हैं? डेमोक्रेसी हो गया, वेयर कनाडा हो गया, एनवायरनमेंट एंड डिस्पोटेलिटी हो गया। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती क्या है? ये नहीं है कोई क्वेश्चन, पर ये है कि उसका मीनिंग, उसके वर्ड का मीनिंग, वो कहां से आई है? उन्होंने अखां खुली है नहीं प्रॉपर। Dimas means the people and Kratia means the power. They both together mean the people's power or the authority of the people. Yeah. डेमोक्रेसी का नॉर्मल मतलब होता है कि जिस जिसको लोग चुन के पावर देते हैं बाय इलेक्शन। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ही चाहिए। तो गाइस अभी अपने लड़के जा रहे हैं ट्यूशन पे, मन तो इनका होता नहीं है बिल्कुल भी, पर जाना तो पड़ेगा, एग्जाम आ गए हैं। अभी हो गए 4 o'clock। आर्यमन कितने बजे आएंगे? 4? और आप कितने बजे आओगे? 4, 5, 6 तक। आर्यमन 6 o'clock तक आओगे? पहले आ जाएंगे। ईशु के लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं सारे चैप्टर के। मेरे 2-3 चैप्टर रहते हैं। ओके। आर्यमन नंगे पैर जा रहा है आज? नंगे पैर जा रहा है? हर चीज में चोको पाई मिलेंगे 2 घंटे में, मैं शायद 3 में। ओके चलो बाय। मिलते हैं 5 या 4 या 2। बाय आर्यमन, बाय। चलो अभी अपने हो गए हैं सब तैयार। और ये है और ये है अपनी झांसी की रानी। तो ऐसे क्यों वो कर लेता है? क्यों कर लेता है झांसी की रानी के नाम पे? उसका लिटिल कृष्णा।
कृष्णा को तो देख लो। हाँ कौन सा लिटिल कृष्णा को? वो देखो अंशुमन झांसी की रानी के नाम पे। हाँ बता। तो गाइस अभी हो गए हैं रेडी। ये है अपना आर्यमन जो अभी कृष्णा बना हुआ है। इधर आओ आर्यमन थोड़ा सा पीछे से। अब बीच में घुस जाएगा क्या? है ये बहुत सुंदर बना हुआ है। ये है कृष्णा की, इसने ड्रेस पहनी है, झांसी की रानी ने आज नहीं पहनी है, और जवाहरलाल नेहरू साहब भी नहीं पहन के बैठे हैं। और ये नानी बैठी है अंशुमन को लेने के लिए। और ये अपने लिटिल कृष्णा, बोल दो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को बोल दो। और ये नानी तैयार बैठी है इसको गोदी में लेके फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ और ये आर्यमन ने गोल्ड की चेन पहनी हुई है। और ये बुआ भाग भाग के एंट्रियां लेती है व्लॉग में, व्लॉग में एंट्री लेती है। और अभी ले लिया है नानी ने गोदी में, और मम्मा नानी की फोटो खींच रही है। और इधर हो रही है फाइट श्री कृष्णा की। और कौन थी उसने दूध पिलाना, कौन आई थी श्री कृष्णा? और इधर और भी पुआई सी ना। और ये श्री कृष्ण और पूतना की लड़ाई हो रही है अभी। पूतना का संहार होगा अभी। आर्यमन नो बेटे, कोई बात नहीं। और ये पूतना और कृष्णा की लड़ाई खत्म हो चुकी है, और ये है अपना। और इधर फोटो सेशन हो रहा है नानी का। हम बहुत देर से जोर लगा रहे हैं, तब तो इसने आंखें खोली नहीं है, थोड़ा सा खोल के बैठा है। बुआ ले लो आप भी फोटो ले लो। बुआ आंखें खुली है। तो ये है नानी, देखो जय भी कर रहा है मेरा कृष्णा। हाँ जय करेगा ये। तो गाइस ये है अपने बड़े वाले कृष्णा जी जो अभी अभी पूतना का संहार करके आए। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज पूरी चंडाल चौकड़ी आ रही है सभी को रोटी डालने, और आज सभी फिर से बाहर है इसी जहाँ लाइट ऑन कर। और गाइस अभी लाइट ऑन हो जाएगी, 1 2 3 बूम्बा लाइट्स ऑन। तो इशू उठाएगा रोटी, आई एम द कैमरामैन, और ये हमारे एंटरटेनर और सैमी जी, फाइंडिंग नीमो, ओ फाइंडिंग सैमी। हेलो, खाने का डब्बा वो उधर छुपा हुआ है, पीकाबू खेल रहा है हमारे साथ। और अभी आर्यमन इसको हाथ नहीं लगाना तूने, क्योंकि फिर आर्यमन वही हाथ अंशुमन के लगा देगा। ये रहा इसका खाना, इसको खाने डालते फिर मिलते हैं। 3 2 1 बूम बम गाइस, रोटी डल चुकी है। आ जा सैमी, सैमी कह रहा मेरे को हाथ लगाने के लिए। आ जा सैमी, खा सैमी, आ आ जाओ गाइस, एक मिनट इसको अंदर बुला ले, फिर आपसे मिलते हैं। 1 2 3 बूम्बा बोलना भूल गया, बट हमारी जॉब डन हो गई है। और गेट बंद, लाइट ऑन ये सब वापस बंद करके जाना है। और बाहर है जो उज्जवल, पता नहीं क्यों सुनसान है। इस टाइम लोगों को खेल तो नहीं चाहिए यहाँ पे। ये यहाँ पे बॉलर, यहाँ बैट्समैन, ये हमारा बॉल को ये यहाँ अंदर गया, फिर अंकल ने वापस नहीं दी, इसमें आएगा मज़ा। और बाकी वहाँ पे ये रहा हमारा घर अभी। हाँ तू बोल, खा सैमी खा। गाइस इशू पता नहीं क्या बोल रहा था, वो बंद हो गया व्लॉग क्योंकि मेरे से हाथ लग गया। तो खा सैमी। और अभी इशू जी यहाँ खड़े हैं, खड़ के पता नहीं क्यों मेरे को ताड़ी जा रहे हैं। वहाँ पे जाके वो बाल्टी ले आ, इससे पहले इसका खाना खत्म हो। जल्दी से जा, जल्दी से आना सैमी, नहीं बाहर जाना। वैसे कल मैंने बाल्टी अंदर नहीं की थी, मैंने इसमें कल न्यू पानी भर दिया था, और इसके लिए सॉरी मेरा पैर लग गया तो सारा पानी पानी हो गया। आर्यमन बचा हुआ है अभी। आर्यमन तूने हाथ तो नहीं लगाया उसे?
मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा इधर आ जा, इधर आ जा, चल सैमी को पीछे वाली साइड चले जा, ग्रिल पास। तो अभी हम तुम्हारा थोड़ा सा सीन लेंगे, जाओ सैमी के पीछे। आर्यमन इधर खड़े हो जा, आर्यमन तू ग्रिल के पास जाके दिखा, वो वाली ग्रिल के पास जा। 10 points, अभी इसी की डन, जा और उस साइड से जहां से आर्यमन गया, चल ग्रिल के पास खड़े हो जाओ दोनों। अब तुम्हारे लिए एक मिशन है, ग्रिल के पास, अब जो भी डरा वो आउट। देखते हैं सैमी किसके पास जाता है। सैमी, सैमी इधर आ, अब तुम दोनों सैमी को एक साथ बुलाओ। जा सैमी जा, देखते गाइस किसके पास जाता है, वैसे मेरे पास ही है ये। सैमी जा, गाइस आर्यम इशी ने ना दादी को डरा दिया इतना उचित सैमी सैमी करके। आर्यमन थोड़ा सा आगे आ ग्रिल से और उधर को जा, देखते अभी किसके पास आता है। वैसे बीच बीच चले आइए तो दोनों के 5-5 points, तो बहुत खेल लिया आप, चले आ जाओ सारे बाहर, जाओ मैं इसको पकड़ता हूँ। सैमी जाओ बाहर जाओ, ऐसे इसको ये पकड़ने का कोई फायदा नहीं था, इनको दिखाने के लिए ही था। सैमी में उतना जोर है कि वो हाथ छुड़ा ले। लाइट बंद हो रहेगी, बूम ये ऑन है। सैमी को गुड नाइट, और आप लोगों को भी, और इसी के साथ हो जाएगी लाइटें, लाइटें के साथ गेट बंद, बूम बम बूम बम। और अभी यहाँ पे लाल फाइंडिंग लाल डब्बा मिशन चल रहा है, नहीं मिला, 5 मिनट से वो ढूंढ रहे हैं, तो भी चलते हैं नीचे। लाइट बंद हो रहेगी, किसी पता नहीं क्या गाई जा रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू आर जी, मैं फ़ोन उठाना भूल गया था, और ये अपना सैमुड़ा इधर घूम रहा है। अभी मिलेंगे हम आपको बाद में। बुआ भी उछल उछल के एंट्रियां लेती। तो गाइस अभी आज वाले ब्लॉग को करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अरे गोल की लड़की।